तो ये गाइस कैसे आप सभी लोग, आज मैं आपके दोबारा से एक नई गेम लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी गेम का नाम जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है फॉल गाइस से। आप लोगों को पता ही होगा कि फॉल गाइस जो है एक बहुत ही अच्छी गेम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीसी पीएस और एक्सबॉक्स के लिए आई हुई है। फिलहाल इसकी जैसी एक गेम है जिसका नाम है स्टंबल गाइस। मैंने सोचा इस गेम के बारे में आपको बता दूँ कि ये गेम जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है उससे, और वो गेम जो है फॉल गाइस है ये जो अभी एंड्रॉयड के मोबाइल के लिए नहीं आई है। ये गेम जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हो सकता है आपको ये गेम कई सस्ते में मिल जाए पर वो गेम जो है एंड्रॉयड को सपोर्ट नहीं करती अभी। लेकिन इसी जैसी एक सिमिलर गेम है जिसका नाम है स्टंबल गाइस जो है कि आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात तो मेरे को ये लगी कि ये जो है टोटली फ्री है, और इस गेम के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चाहे तो मेरे को अपनी गेम्स के टाइप बता सकते हैं कि आपको कैसी गेम चाहिए, रेसिंग गेम चाहिए, एडवेंचरस गेम चाहिए, लेजेंडरी गेम चाहिए, आप लोग को कैसी गेम चाहिए आप लोग चाहे तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, फिलहाल डिस्क्रिप्शन में नहीं चैट में। और यहाँ पर अभी मैंने आपको जो गेम प्ले दिखा रहा हूँ ये मैं खुद खेल कर बता रहा हूँ आपको, ये जो है मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं का ट्रेलर नहीं लिया मैंने, ये गेम जो है मैं आपको खुद खेल कर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर टोटल शुरुआत में होते हैं 32 प्लेयर्स जिसमें से क्वालिफाई करते हैं सिर्फ 16 प्लेयर्स। इसके अंदर फिर 16 में से सिर्फ और सिर्फ 8 प्लेयर्स क्वालिफाई करते हैं, ऐसे करते करते उसमें से 4 प्लेयर्स फिर लास्ट में 1 प्लेयर बचता है जो कि विनर हो जाते हैं। आप लोग जो देख रहे हो अभी पीछे जो आया है वो वाला मैं हूँ, ये जो है मेरा खुद का करेक्टर है। और यहाँ पर ये गेम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर अलग अलग लेवल्स भी आते रहते हैं, जैसे कि जो अभी मैं लेवल खेल रहा हूँ उसका नाम है आईसी हाइट्स, उसका जो है आईसी हाइट्स इसलिए रखा क्योंकि उसके अंदर आइस है मेरे ख्याल से, और इसके अंदर हम बहुत बार फिसलते रहते हैं। ये गेम जो है वैसे थोड़ी बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है और फनी भी है, मुझे ये गेम बहुत ही पसंद है इसलिए मैं इस गेम को खुद खेलता हूँ, और आप लोगों को भी एक बार ये गेम खेलनी चाहिए। मैं आपको पक्का श्योर गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये गेम एक बार पसंद ज़रूर आएगी, आप लोग चाहे तो उसे खेल सकते हैं कहीं पर भी। और ये गेम जो है बहुत ही कम साइज की होती है, आप लोग जानते होंगे पीसी में जो ज़्यादातर गेम्स होती है वो जो होती है बहुत ही ज़्यादा साइज घेरती है, और जैसे आप लोग मान सकते हो GTA 5 वगैरह वैसे ही गेम जो है उसके जैसे तो नहीं है, कि वो गेम तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा साइज घेरती है, उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है जो कि सारे के सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है क्वालिफाई कर गया हूँ, यहाँ पर 16 प्लेयर जो है अभी क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी 15 प्लेयर हुए हैं लेकिन अभी 16 हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये गेम वैसे मुश्किल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फनी लगेगी ये गेम, मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं सोचा आप लोगों को इस गेम के बारे में बता दूँ ताकि आप लोग भी खेल सको इस गेम को। और इसके अंदर मैं आज क्वालिफाई हो गया हूँ, अब यहाँ पर अलग अलग लेवल आते रहते थे जैसे कि मेरे पिछली बार आया था आईसी हाइट्स, और इसमें मेरे को डिफरेंट लेवल आया है, इस वाले लेवल का नाम है फ्लोर फ्लिप, आपको वैसे साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा उन लेवल्स का नाम जिस पर आप आए हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें भाग के सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी होती है और फिर हमें दूसरे जगहों पर जाना होता है जैसे कि इन पर, लेकिन वेट पड़ता तो दूसरी जगह पर ये भारी हो जाती है जिससे दूसरे प्लेयर्स नहीं जा पाते वहाँ तक। फिलहाल इस गेम की सबसे अच्छी बात मेरे को एक और लगी कि जहाँ पर हम मरते हैं हम उसके तुरंत बाद यहाँ पर रिस्पॉन हो जाते हैं वापस, ऐसा नहीं है कि हमें थोड़े बहुत सेकंड वगैरह वेट करना पड़ता है। इसके अंदर हम जब जब ही रिस्पॉन हो जाते हैं और उसी जगह पर जहाँ पर हम मर रहे थे, ये गेम जो है थोड़ी बहुत आपको शुरू में अच्छी नहीं लगेगी, आप लोग इसकी ग्राफिक्स पर मत जाइएगा, आप लोग बस ऐसे गेम प्ले पर जाइएगा, ऐसा गेम प्ले जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और अब तो फिर से आगे मैं आई हूँ लेकिन अभी यहाँ पर मैं गिर गया हूँ इसलिए मुझसे 2-3 प्लेयर्स आगे चल गए हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे भारी होती रहती है इसकी साइज जिससे वहाँ पर जाने में प्रॉब्लम्स होती है। फिलहाल इसके अंदर अगर हम आगे रहे तो फिर हमारे लिए सही रहता है, कई बार क्या होता है हम इसके अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, क्वालिफाई करना ही इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए क्वालिफाई करना कई बार। और यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स आ चले गए हैं, बस यहाँ पर एक मैं ही हूँ जो यहाँ बैठा रह गया हूँ, यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर जो है अभी जाए जा रहे हैं, बस यहाँ पर मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ पर पूछा हो गया वहाँ के सारे प्लेयर चले गए, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो ऐसे नहीं जुड़ पाता, ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है लेवल, लेकिन फिर भी ये वाला लेवल जो होता है सही होता है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, यहाँ पर 7 लोग जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर 8 के 8 लोग जो है क्वालिफाई कर गए हैं जिनमें से एक मैं खुद हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऐसे करते करते लेवल चेंज होते रहते हैं जो जहाँ डिफिकल्ट आते जाते हैं, मेरे को नहीं पता इस बार कौन सा लेवल आएगा पर मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्ट लेवल ही होगा। इसके अंदर देखते हैं, अच्छा ये लावा वाला कोई लेवल आया है, हाँ इसका नाम है लावा रश, लावा रश जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल होता है लेकिन हो सकता है बहुत से लोग इसे पार भी हो जाए। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ लावा लावा होता है हर एक जगह पर, और अगर हम लावा में गिर गए तो हम मर जाएंगे। और इसके अंदर वैसे मेरे को पता तो नहीं, पहली बार खेल रहा हूँ मैं ये वाला लेवल भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है
एक ही बंदा क्वालिफाई करता है फिर इसके अंदर। मेरे को लग रहा था वैसे चार प्लेयर क्वालिफाई करेंगे 8 में से, लेकिन मेरे को पता चला कि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर क्वालिफाई करेगा। हम इसके अंदर शुरुआत में मेरे को पता नहीं था यहाँ पर हमें कूदना होता है। यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि लावा में हम तो यहाँ पर इसके अंदर मरेंगे नहीं इतनी जल्दी, पर हम मर रहे हैं। हम इसके अंदर क्या है, हम आ गए कि यहाँ पर लावा जो था अप डाउन होता रहता है। फिलहाल यहाँ पर अभी जो है ऊपर नीचे हो जा रही है लावा, इसलिए मेरे को ध्यान से जाना होगा आगे। फिलहाल यहाँ पर वो प्लेयर है जो मेरे साथ था अभी, वो तो आगे चला गया है। यहाँ पर यहाँ ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से खेल रहे होते हैं ये गेम। फिलहाल मैं इस गेम में ज़्यादा पुराना हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत सही खेल लेता हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टाइम मेरे को इस गेम में नहीं हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ मर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इस गेम को बहुत अच्छा खेल लो, और आप लोग चाहो तो इस गेम को ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। यहाँ पर फिलहाल मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ अभी पब्लिक मोड में। आप हम चाहो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। फिलहाल वो लेवल जो है मेरे पार हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये लावा जो होते थोड़े टाइम में ऊपर आ जाते, थोड़े टाइम में नीचे चल जाते हैं। इससे हमें बच के रहना होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ये जो है मुश्किल है लेवल बहुत ज़्यादा। ये वाला जो लावा वाला है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल है, और ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर क्या होते गोले भी आते रहते हैं लावा के, ये जो होता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करता है मेरे को। हो सकता है यहाँ आप लोग इसे पार कर लो, लेकिन यहाँ पर अभी मैं नहीं कर पा रहा। इसके अंदर देखो आप आग के गोले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आते वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है आग के गोलों से ही टकरा जाता हूँ मैं, जिससे यहाँ लावा में गिर जाता हूँ। फिलहाल यहाँ लावा नीचे हो गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो ऐसे ही खेल सकते हो जैसे कि अभी मैं खेल रहा हूँ। मैं सोचा था कि यहाँ पर मैं जाऊँ जीत जाऊँगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये गेम जो है बहुत ज़्यादा, वैसे तो कभी बार माइंड स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बनाई गई है ये गेम मेरे ख्याल से, पर इसके अंदर ये गेम जो है कई बार हमें थोड़ा बहुत गुस्सा भी ला देती है। पर वैसे ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग इसे ट्राई तो करके देखिएगा। और इस गेम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो आप लोग चाहे तो इस गेम को ट्राई कर सकते हैं एक बार। मैं तो इस गेम को ट्राई करके देखा हूँ, मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा इसका एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऐसे जो उसकी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आ जाती है। फिलहाल मैं आपको एक गेम एक चीज़ तो बता ही दूँ कि जो फॉल गाइस है उसका भी एंड्रॉयड वर्जन नहीं आया है, इसलिए आप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड नहीं कर सकते, चाहे वो आप का ही क्यों ना हो। इसलिए आप लोग जो है उसे डाउनलोड करें सिर्फ और सिर्फ अपने पीसी में, और वो भी अभी उसका पेड ही वर्जन, अब उसका फ्री वर्जन नहीं आया है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप लोग उस गेम को खरीद ले अगर आप खेलना चाहते हो उसे अपने पीसी पर, या फिर आप उसे अपने दूसरे डिवाइस पर खेलना चाहते हो जैसे कि PS या फिर Xbox। फिलहाल जैसे उसका फ्री वर्जन आएगा मैं आपको तुरंत खबर दे दूंगा उसके बारे में, जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।